सीपीएस एवं बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने भी एसडीएम कार्यालय बड़सर में नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर इंद्रदत्त लखनपाल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बड़सर कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे। इंद्रदत्त लखनपाल ने अपने 5 सालों में करवाए गए विकास कार्यों के बलबूते पर चुनाव मैदान में उतरने की बात कही। इंद्रदत्त लखनपाल ने नामांकन पत्र भरने के बाद दावा किया है कि इस बार भी बड़सर की जनता उन पर भरोसा करेगी। लखनपाल ने कहा कि 5 सालों में विकास बहुत करवाया है और टीका टिप्पणी ऐसे ही लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में विकास के नाम पर छल किया है। लखनपाल ने कहा कि बड़सर में अधूरे बचे कार्य को पूरा करने के लिए दोबारा विधायक बनकर पूरा किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है, अभी फोर्थ कमिंग इलेक्शन हमारे शुरू हो रहे हैं विधानसभा के, और इस विधानसभा बड़सर विधानसभा क्षेत्र से मुझे कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी दोबारा से घोषित किया है, और उस संदर्भ में मैंने आज अपने समर्थकों सहित यहां पर नामांकन पत्र की प्रक्रिया पूरी की, और जो प्यार और मुझे मिला है जनता से, मैं समझता हूं कि हमारी जीत निश्चित है। और 7वीं बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे और मैं विधायक बनूंगा। टिप्पणी टिप्पणी वो कर रहे हैं जो 15 वर्ष सत्ता में रहे, जब उनसे कुछ नहीं हुआ तो उनकी तरफ मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। 100% जीत की तरफ मैं आश्वस्त हूँ और डंके की चोट से जीतेंगे, काम किए हैं और जीतेंगे। अभी जो काम हमारे रह गए हैं उनको पूरा करेंगे, पानी की व्यवस्था को ठीक करेंगे, जो सड़कें हमारी कुछ टूट गई हैं उनको ठीक करेंगे, जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की कमी है उनको पूरा करेंगे, जो अभी हमारा सिविल हॉस्पिटल बना है उसमें नया प्रारूप जो है वो उसको स्थापित करेंगे, और साथ में और भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करेंगे। मिनी सेक्रेटेड की समस्या उसको पूरा करेंगे। 15 वर्ष में जो एक यहाँ पर गुंडा राज स्थापित था, केवल मात्र हो हल्ला था, विकास के नाम पर झूठी पट्टिकाएँ लगाई गई थी, उन सभी को सुधारते सुधारते 5 साल लग गए और अगले 5 वर्ष हमारे स्वर्णिम होंगे।